चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो जेई मेन 2024 में 27 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप कह सकते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है अ प्रोटोन हैविंग वेलोसिटी वी नॉट, ये वी नॉट है, पासेस थ्रू अ रीजन हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोटोन डज नॉट चेंज देन विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू। कह रहा है कि अगर वी चेंज नहीं हो रहा, वी चेंज नहीं हो रहा मतलब वी हमारा कांस्टेंट है। वी कांस्टेंट का मतलब क्या कंक्लूड करें हम लोग, ए जीरो है। ए जीरो का मतलब क्या कंक्लूड करें, एफ जीरो है। सर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, वहां पे मूविंग चार्ज पे जो नेट फोर्स लगता है उसे हम लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं, राइट। जो एफ नेट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू वी क्रॉस बी प्लस क्यू इंटू बी, ये नेट फोर्स है। अब ये नेट फोर्स कब कब जीरो हो सकता है ये आपको देखना है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं अलग अलग। ऑप्शन ए में कह रहा है कि ई जीरो एंड बी जीरो, ये दोनों जब जीरो होगा, यहां पे आप इसको भी जीरो पुट कर रहे हैं, इसको भी जीरो, इसको भी जीरो, तो ये जीरो प्लस जीरो क्या होगा, एफ नेट जीरो होगा सर, यानी कि पहला वाला का संभावना है, राइट। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू कह रहा है, कौन सा ट्रू है यानी मे बी की किसकी संभावना है, ये सिर्फ हम लोग को चेक करना है, करेक्ट। तो ऑप्शन ए हमारा सही निकला। ऑप्शन बी में कह रहा है ए ई जीरो है, बी इज नॉन जीरो। अगर ई जीरो है मतलब क्या समझा आपने, मतलब ये हुआ सर कि ये वाला पार्ट गया जीरो। अब ये वाला जीरो हो सकता है कि नहीं, अगर ये जीरो होगा, अब दूसरा क्या कहा है, बी इज नॉन जीरो, बी नॉन जीरो है और नेट फोर्स जीरो हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या। वेलोसिटी तो दिया है, वेलोसिटी नॉन जीरो वेलोसिटी है, क्यू भी है, बी नॉन जीरो है, संभव है नेट फोर्स जीरो होना, बिल्कुल संभव है सर। एक केस ऐसा भी बनता है जहां पे हम कह सकते हैं कि अगर वी इज पैरेलल टू बी, या आप कह रहे थीटा इज जीरो डिग्री, ये इसकी वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्यू वी बी साइन थीटा। अगर आपका थीटा ही जीरो हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, उस केस में ये पूरा टर्म जीरो हो सकता है, यानी कि नेट फोर्स अभी भी जीरो होने की संभावना है, इफ हम कह रहे हैं ये कंडीशन होता है तो एफ नेट फिर से जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म भी जीरो और ये वाला टर्म को जीरो कह ही रहे। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं, सी। सी में कह रहा है ई इज नॉन जीरो, ई कह रहा है नॉन जीरो है और बी जीरो है, तो बी जीरो हो गया तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया और ये नॉन जीरो है। ई कोई भी नॉन जीरो है, जिधर लग रहा होगा उधर चार्ज पे फोर्स लगाएगा, राइट। अब ई अगर नॉन जीरो है तो उसको वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ भी हो फोर्स लगेगा। फोर्स वी के डायरेक्शन में होगा तो मैग्नीट्यूड चेंज कराएगा, वी से 90 डिग्री पे होगा तो डायरेक्शन को सिर्फ चेंज करेगा, और अगर किसी और एंगल पे है तो डायरेक्शन भी चेंज करेगा और मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा, राइट। इसका मतलब वी कांस्टेंट नहीं रहेगा, नेट फोर्स होगा, यहाँ पे जो एफ नॉट है वो नॉन जीरो होगा और ये नॉन जीरो है तो वी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो वी कांस्टेंट रहने की संभावना बिल्कुल नहीं है किसमें, थर्ड में, इसमें संभावना बन रही है। फोर्थ ऑप्शन जो कह रहा है वो क्या है, फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर ले। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि ई भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, तो क्या ऐसा संभव है, बिल्कुल संभव है, क्योंकि जो नेट फोर्स है वो क्यू वी बी या वी क्रॉस बी है और दूसरा है प्लस क्यू इंटू ई, दो वेक्टर है, दोनों का सम जीरो होगा, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए और डायरेक्शन बराबर हो जाए, ऐसा हो सकता है, हो सकता है। वी क्रॉस बी, वी और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में रखा जाए, यानी वी और बी के परपेंडिकुलर, या ठीक परपेंडिकुलर मतलब उसके ठीक अपोजिट, वी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है उसके ठीक अपोजिट ई को रखा जाए और ऐसे एडजस्ट किया जाए कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, कब हो सकता है, जब आपका क्यू वी बी साइन थीटा का मैग्नीट्यूड क्यू इंटू ई के बराबर हो जाए, ये गया।
और आप कह सकते हैं कि सर ई बाई बी का जो रेशियो है कुछ ऐसा रखा जाए कि ये वी साइन थीटा के बराबर हो जाए, ठीक है। और डायरेक्शन भी ध्यान रखना कि उल्टा हो जाए, तो नेट फोर्स जीरो हो सकता है। अगर एफ नेट जीरो होगा तो संभावना है ए भी जीरो होगा और वी हमारा कांस्टेंट हो सकता है। तो किसमें किसमें हो सकता है ये पूछा गया है। संभव केस कौन कौन सा है, पॉसिबल केस है ए बी एंड डी। सही आप आंसर क्या होगा इसमें, इसमें सही आंसर है ऑप्शन